नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली है कि नहीं। पाशा लोगो, कैसे हो? आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई रोटी से कैसे कमाल धमाल हो सकता है। कि भाई पूछो मत, कमाल धमाल तो तब होएगा जब आप उपाय करोगे। कितने लोगों से मेरी बात होती है ना, अब मैं जब बोलती हूँ कि फीस जरूरी है, फीस मैं इसलिए बोलती जी है ना, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो बंदा फीस नहीं पे कर सकता, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं यार, आप उपाय करो। कितने उपाय मैं बताती हूँ, आप जब ये उपाय करोगे तो डेफिनेटली चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जरूरी नहीं होता ये। अच्छा, मैंने कल राहुल, जिन्होंने राहुल केतु की वीडियो नहीं देखी कल वाली, वो प्लीज देख लेना। मैं लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में देख लूंगी, थोड़ा आपकी आंखें खुलनी चाहिए। हर वीडियो में अब मैं ये अवेयरनेस पैदा करूंगी। कल भी मेरे को काफी एस्ट्रोलॉजर्स के कॉल आए हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, बेवकूफ नहीं हूं मैं, है ना। ये जो लोग करते हैं, मैं जितना चेक करवा लो, जितना एक्चुअली सबको हलचल मची पड़ी है ना, ये पूजा पाजा करवा रही है ना, ये अभिमंत्रित करवा ले रही है ना, तो भाई ये मार्केट में जो धूम मच गई है, क्योंकि एक यही तो तरीका था कि बंदे को लूट पाट करके पैसा। अब आपको एक कमेंट, कितने कल के वीडियो में कमेंट्स देखना, कितने लोगों के कमेंट्स आए हैं। नेहा जी बोलती हैं, मुझे भी एक पंडित ने राहु को शांत करने बहुत डराया, पैसा लेकर उपाय भी नहीं किया, पैसे नहीं होते हुए भी मैंने अरेंज किया और उसको दिया और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। 2 साल हो गए, कुछ नहीं करते ये लोग, कुछ भी नहीं करते। पूजा पाजा करा लो, उसके बाद 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, करते करते साल रुक जाओ, उसके बाद आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। समझ लो मेरी बात को, ये पूजा पाजा आपका, चलो पैसा गया तो गया, आप सोचो आपका टाइम गया, इतने टाइम में आपने एफर्ट भी नहीं किया, क्योंकि आप तो बैठे हुए हो पूजा के चक्कर में। कोई पूजा पाजा करा लो, शांति करा लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं, जो करना है आपने करना है। कल भी मेरे को कुछ कॉल्स आए थे जो बोल रहे थे इजी चीजें बता दो। इजी चीजें कैसे बना, मेरे घर के बनाए हुए उपाय थोड़ाएंगे आप बताओ। ग्रह फॉर्मूला है ये, अगर जैसे कोई मैथ्स पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, मैंने ये एस्ट्रोलॉजी स्टडी करी है और मुझे इस स्टडी से सिर्फ यही पता है कि आप उपाय करोगे, नियमित तौर पे वो एनर्जी क्रिएट करोगे, उस एलिमेंट को एक्टिवेट करोगे, आपकी चीजें हो जाएंगी। बट अगर आप बोलो जी घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं करना पड़ेगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ निपटाने के लिए है ना, अब बंदा मेरे को पैसा दे देता है, पैसा दे देता है, 2 दिन में खर्च भी हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। अब कुछ करो या नहीं करो, चलो पैसों की भी छोड़ो, आपको मैं इतने उपाय बताती हूँ है ना, मैंने तो अपनी वीडियो बना दी। आप अब करो ना करो, अच्छा होगा तो आपका होगा, नहीं होगा तो आपका होगा, बट जब प्रॉब्लम में होते हो तो मुझे बता दो कौन आपके साथ खड़ा है। कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम है, बाकी तो कहते हैं ना कुत्ता भी नहीं पूछता आज की डेट में। सीधी सी बात है, करो यार करो, आपकी चीजें अच्छी होंगी तो मेरे को कितना मतलब, मेरे को सच्ची बोल रही हूं, मेरे को ऐसे लगता है कि यार अब कुछ बात बनी। जब आपके कमेंट्स आते हैं ना कि मेरा काम हो गया, फिर मेरे को लगता है कि हाँ जी, वरना तो फिर यार क्या है ये चीजें, क्या है फिर, अगर आपका कुछ अच्छा ही भला ही नहीं हो पाया, पर करना आपको है। एक और कमेंट आपको पढ़ के सुना देती हूँ है ना। नेहा रिंकू जी बोलती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आपकी वीडियो देख के एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैं आपका नमक वाला उपाय कर रही हूँ और गाय को रोटी वाला उपाय कर रही हूँ और गरीबों को खाना खिला रही हूँ, मेरे काम पर बहुत फर्क पड़ा है। मैम आप बहुत अच्छे हो, लव यू मैम, इतना सोचते हो हमारे लिए, थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। आपका रिंकू जी ये कमेंट देखकर सोचो कितने लोग मोटिवेट होंगे और वो उपाय करेंगे अपने अंदर, कहते ना कि चीजें बन सकती है। आज का जो उपाय है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि रोटी हमारे ग्रह को कैसे मजबूत कर सकती है। अब मैंने क्या बोला था, गेहूं किसका एलिमेंट हो गया, सन का, सूर्य का, है ना। अब भाग्य का कारक कौन होता है, सूर्य और चंद्रमा। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूं, गेहूं ये जब हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी से हम लोग अपने ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। सूर्य को मान सम्मान नहीं मिल रहा, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, रिश्ते नहीं निभ रहे, क्या करोगे? आपने गेहूं का जो आटा होता है ना, गेहूं के आटे की रोटी आपने बना लेनी है, गुड़ उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दो, उसको सनसेट के पहले, सूर्यास्त के पहले पहले उसको खा लो, एक रोटी खा लो, छोटी सी खा लो। आप दूसरे उपाय भी करो, मैं एक छोटी छोटी चीजें आपको बताती हूं। पता है सांप सीढ़ी देखा है,
100 पे एकदम तो नहीं पहुंचते, 1, 2, 3, 4 है ना। अब जब उपाय करना शुरू करोगे तो वो सीढ़ी लग जाती है, ऊपर पहुंच जाते हो, है ना। फिर चलते हो चलते हो चलते हो, फिर सीढ़ी लग जाती हो, फिर ऊपर पहुंच जाते हो। समझ गए? 99 पे नीचे ना, उपाय मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि ग्रह की नेचुरल वैल्यू तो वो नेगेटिव ही है ना यार। तो क्या होगा फिर, वो अपनी सांप सीढ़ी जैसे नीचे ले। करते रहो करते रहो। लोगों के एक दिन में भी काम हुआ, 2 दिन में भी हो, 2 हफ्तों में, 2 महीनों में, 6 महीनों में भी, पर चीजें होंगी तो जरूर पाशा लोगों। करना तो आपने है, करना तो आपने ही है, सीधी सी बात है। अब मैं बता देती हूँ चंद्रमा को मजबूत कैसे करोगे। चंद्रमा को अगर मजबूत करना है तो गाय की, ये गेहूं की जो आटे की रोटी है ना, वो किस में गूंदोगे? दूध में, और थोड़ी सी उसके अंदर चीनी डालोगे। ये आपने क्या कहते हैं, सनसेट के पहले खा लेनी है। जितनी ये रोटी बता रही हूं ये आपने सनसेट के पहले खा लेनी है। सेम रोटी आपने जो जो ये ग्रह की बारे में रोटी मैं बता रही हूं वही आपने गाय को भी खिला देनी है। ये जब आप करोगे, कंटिन्यूटी में करोगे, मैं मान ही नहीं सकती आपकी चीजें नहीं बन रही। अभी भी आपने कमेंट देखा ना, उन्होंने क्या किया। ये छोटी छोटी चीजें इतने बड़े बड़े रेगुलर बेसिस पे करोगे, धमाल हो सकते कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये सेम रोटी आप शुक्र के लिए भी, शुक्र को अगर मजबूत करना है तो आटे की जब हम जैसे पानी से गूंदते हैं ना, पानी से मत गूंदो, आपने उसके अंदर दूध डाल देना और थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, थोड़ा सा ऊपर गाय का घी लगाकर उसको खा लो, शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सौंदर्य जिसको बोलते हैं, लग्जरीज, वीनस किसका कारक है। अच्छा, चंद्र किसका, चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो क्या होता है, मानसिक तनाव, शांति नहीं मिलती, ये सारी चीजें है ना, आपको पता ही है, मन इधर उधर भटकता है। मन मजबूत करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये क्या करोगे, ये करोगे। आपने अगर अपना मंगल मजबूत करना है तो सनसेट के पहले क्या खाओगे, और गाय को भी साथ साथ, गाय को भी आपने खिलाना है ना। आपने क्या करना है, आपने ये क्या कहते हैं, आटा गूंद लेना है, उसमें ये क्या कहते हैं, गुड़ डाल देना, थोड़ा तेल लगाकर खुद भी खाओगे, और आपने थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट करनी है ना यार, कोई बात नहीं, थोड़ी सी छोटी सी बना लो, कोई बात नहीं। तो ये आपने गाय को भी खिला देनी है। शनि मजबूत करना है तो क्या करोगे, काले चने की जो आटा होता है, काले चने का जो आटा होता है उसको अपना पिसवा लो, उसको अपना रोटी बनाकर आपने सरसों का तेल थोड़ा सा लगा लेना, उसको खाना शुरू करो, गाय को खिलाओ। गाय बीमार नहीं होगी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं बीमार हो जाएगी। और जो मैं गाय को मीठा भी, गुड़ भी बोलती हूँ, चीनी भी, एक दाना अगर चीनी का 2 दाने डाल दिए आपने अपनी रोटी में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को, ये चीज आपकी हो गई। आपने अगर बुध मजबूत करना है ना, अब शनि का जो मैंने बताया वो ही राहु के लिए भी जाएगा और वो ही केतु के लिए भी जाएगा, है ना। तो सेम आपने अपना बुध मजबूत करना है तो क्या करोगे, बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दो सूर्य से पहले पहले, बाजरे बुध मजबूत हो जाएगा। जो बच्चे लोग हैं, है ना, जो बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, दिमाग तेज करना है, कॉम्युनिकेशन स्किल्स बुध अच्छी देता है ना। तो ये क्या करोगे, बुध को अपना मजबूत करोगे, बाजरे की रोटी खाना शुरू करो और गाय को खिलाना शुरू कर दो। चीजें आप देखोगे, इट इज अनबिलीवेबल चीजें, मतलब कहते हैं ना, जिसको करने वाले बनो यार। एक बिलीफ के साथ, एक बॉडी जो होती है ना उसमें जब जान नहीं रहती तो उसको नाम से भी नहीं बुलाते, पता है ना आपको इसका क्या मतलब। सेम वे उपाय में अगर बिलीफ सिस्टम नहीं है, जान नहीं है, तो वो उपाय कैसे काम करेगा, नहीं करेगा। आपको बिलीफ के साथ करना है यार कि ये चीजें होंगी, एनर्जी डालो उस टाइम पे, इधर उधर की सोच छोड़ दो, उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, 100% चीजें बनेगी। राहु केतु का प्रभाव अगर खत्म करना है तो क्या करोगे। राहु केतु मैंने आपको क्या बोला था, मन भटकाता है, कर्जे दिलवाता है, और क्या करता है, और क्या कहते हैं, अच्छा संतान प्राप्ति, संतान का सुख नहीं देता, अच्छे खासे बिजनेस को ठप कर देता है, खत्म, कहां का कहां पैसा चला जाता है पता ही नहीं चलता, चिड़चिड़ापन देता है, कलेश देता है घर पे, ये सारी चीजें। लेकिन अगर यही चीज अगर राहु केतु पॉजिटिव हो जाए, जितना राहु दे जाता है, जितना केतु मटीरियलिस्टिक गेन दे जाता है, पैसा ये सब स्टेबिलिटी दे जाता है, उतना तो बात ही क्या, आप सोच ही नहीं सकते। इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, कैसे करेंगे,
सात अनाज का आटा पीस कर, सात अनाज पीस कर उसका आटा गूंद कर आपने क्या करना है, आपने फ्लैक्सीड ऑयल आता है उसको क्या बोलते हैं, अलसी बोलते हैं शायद, फ्लैक्सीड ऑयल जो होता है उसका आटा गूंदोगे, है ना। आपने उसकी रोटियां बना देनी है, चार कुत्तों को रोज खिलाना शुरू कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। जिनको नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉलिटिक्स बहुत आ रही है, क्या करोगे, कौओं को रोटी खिलाना शुरू कर दो, कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू कर दो। कौओं को जब आप रोटी खिलाओगे तो ये बहुत कहते ना पॉजिटिव जिसको बोलते ये करेगा, मतलब है ना चीजों को बहुत हद तक आप देखोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। पितृदोष मंगल दोष जिनको है क्या करोगे, तंदूर की जो रोटी होती है, तंदूर की रोटी उसमें थोड़ा सा गुड़ करके और थोड़ा सा तेल लगा के, मंगल दोष जिनको है, जो डरे पड़े लोग हैं, मंगल शांति करा लो, ये कर लो वो कर लो, फंसे पड़े इन चक्रों में, क्या करोगे, करना शुरू कर दो। एक रोटी तो बनानी है, एक रोटी तो खिलानी है, क्या दिक्कत है, कर लो ना। छोटी छोटी चीजों से छोटी छोटी, कहते ना रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कहावत है, एक दिन में है ना, करते रहो करते रहो करते रहो, मनाओ मनाओ, ऊपर वाले को मनाओ, ग्रह को मनाओ, बात बन जाएगी। या तो ग्रह के आगे घुटने टेक दो या उसको अपने आगे, आप उसकी एनर्जी क्रिएट करोगे, बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस। अच्छा एक चीज मैं ये पहले कंप्लीट कर देती हूँ, तांबे कह रही हूँ, तंदूर की जो रोटी होती है वो मीठी रोटी थोड़ा सा गुड़ डाल के शक्कर डाल करके, है ना, जैसे भी, वो आप कुत्तों को खिलाना शुरू करो, वो आप कौओं को और गाय को खिलाना शुरू करो। मैं कहती हूं जितना बड़ा दोष है खत्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रही है, चीजें बन नहीं पा रही, क्या करोगे, ये जो भैंस होती है ना, भैंस को आटा जो गूंदोगे उसके अंदर जो सफेद तिल होते हैं, सफेद तिल है ना, सफेद तिल और थोड़े से काले तिल मिला के एक तो भैंस को खिला दोगे, जब स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, एक तो ये उपाय है, और एक है जो क्या बोलते हैं, चने की जो चने का आटा होता है, चने का आटा पिसवा दो, वो सांड को गुड़ डाल के खिलाना शुरू करो। अब आप बोलोगे सांड नहीं है, अब आपको मैं एक बात बता देती हूँ, ढूंढना तो पड़ेगा, इलाज तो आपको ही करना पड़ेगा। मैंने एक डॉक्टर आपको दवाई दे देता है, अब आप दवाई 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 बोलोगे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दवाई आपके अंदर चली गई, जाना पड़ेगा केमिस्ट पे, लेनी पड़ेगी फिर खाओगे। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब हमारा बड़ा बदतर टाइम था ना, बहुत ही बदतर टाइम जिसको बोलते हैं, बस बहुत बदतर टाइम से थोड़ा सा पहले, तो ये मम्मी और मैं जाते थे रिक्शे पे, है ना, बेचारे मम्मी ढूंढती रहती ढूंढती, सांड सांड पूछ पाछ के पूछ पाछ के। हमने बहुत उपाय किए हैं, आज जहां पर भी हम, मैं सच्ची कह रही हूं, मैं आपको एक बात यकीन दिला दूं, आज तक मैंने एक कंसल्टेशन नहीं करी जिसने मेरी माँ जैसा, मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी माँ जैसा टाइम देखा है, दो बच्चों के साथ सड़क पे, ना आगे कोई ना पीछे कोई, कोई भी नहीं था बेचारी, कसम से कह रही हूं, क्या ही बोलूं मैं तो, मतलब आप सोचो, मैं तो दो साल तक, जब थर्ड फोर्थ में, मैं तो स्कूल तक नहीं, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, स्कूल भी नहीं जाती थी मैं तो, विरांडे में नहीं जाती थी, बैल्कनी में, कि कोई मुझे देख ना ले और मेरा बच्चे मजाक ना उड़ाए, मतलब ऐसे है ना, होता है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। बिना बिजली, मकान मालिक ने तो बिजली पानी काट दी थी रोड पे, मैं बार बार ये एग्जाम्पल देती हूँ, शुक्र मनाओ ऊपर वाले का, जिस भी पोजिशन में आज आप हो, हर चीज का शुक्रिया अदा करो, अभी भी कुछ चीजें नहीं बिगड़ी हैं। मेरी माँ के पास, आरिका मारवा जी आई लव यू, कसम से, व्हाट अ लेडी, कसम से यार, मतलब आप तो सोच भी नहीं सकते, जब मैं प्रॉब्लम सुनती हूँ ना और इतना रोते पिटते हैं, मेरे को होता है कि क्या यार तुम लूजर लोग हो यार, क्या कमाल है, करो ना यार, अपनी हिम्मत जुटाओ ना यार। मेरी माँ के पास तो रोने के लिए भी कोई नहीं था कि उनके आगे रो लेती। डोंट बी लूजर, समझ गए मेरी बात को, चलो पाशा लोगो, ये चीज आप करो, और कुछ नहीं कर सकते। गाय को तो इतनी चीजें आपको बता दी, ग्रह मजबूत करने के लिए आपको बता दिए, सब बता दिया, ये चीज स्ट्रगल, जब आप सांड को रोटी खिलाओगे इससे काफी हद तक चीजें बननी शुरू हो जाती हैं।
ये चीज करनी शुरू कर दोगे अपने आप चीजें। एक और चीज बता देती हूँ, जबरदस्ती बता देती हूँ। काले उड़द का आटा होता है, काले उड़द के आटे में को पिसवा दो, उसको आटा गूंद दो, है ना। वो ऐसे ऐसे करके रोटी होती है, वो तवे पे सेक दो, गीली गीली रखना, है ना। जो थोड़ी सी उसको तोड़ोगे ऐसे गोल होती है, एक वन ऐसा है ना, क्या थ्री फोर्थ जो होगा वो तो छोटी छोटी गोलियां बना दोगे, और एक हिस्सा जो होगा काले कपड़े में बांध के ये प्रवाहित कर दोगे सैटरडे को, और गोलियां जितना कोर्ट कचहरी का केसेस है, वैसे तो और भी बड़े जबरदस्त उपाय हैं, वो तो चलो मैं जब कंसल्टेशन होती है ये मैं थोड़ा वीडियो में नहीं बोल पाती कुछ चीजें इतनी सारी, पर रोटियों से तो बहुत चीजें हो सकती है ना। तो छोटी छोटी गोलियां ये करके आप कर दोगे, ये भी बड़ा जबरदस्त उपाय है। जिनको भी कोर्ट कचहरी है ना, कोई भी लीगल चीजें है अपने सर पे, ये कोर्ट केसेस वगैरह है, ये चीजें करना शुरू कर दो। स्ट्रगल्स जिनको, शनि है ना यार, शनि का सबसे जबरदस्त उपाय ये है, बहुत जबरदस्त है। ये चीजें करनी शुरू करो, चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये करो पाशा लोगों, ये करो। और भी चीजें बताती हूँ, संतान प्राप्ति की भी चीजें बता रही है, वो मैं बताता है आपको। आई लव यू वेरी मच। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब करो, मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स से ही बात करूंगी। और मैं बात क्यों करूं, फ्री में कंसल्टेशन नहीं मांगना, शर्मिंदा मत करना यार, मत करा करो आप, प्लीज समझो। कल भी रोज फोन आते, हेल्प करो यार। मेरे को आज की डेट में तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, मैं किसको बोलूं। राशन पानी होता है, 10 चीजें होती है, मैं किसको बोलूं। हाँ जी, राशन भेज दो, थोड़ा हेल्प कर दो। राशन पानी जो आपके घर पे राशन दे रहा है वो भी तो हेल्प कर रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हो वो भी तो हेल्प हो रही है। आज घर से निकलते हो, पेट्रोल डलवाते हो स्कूटर में, गाड़ी में, वो भी तो आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी चीजें इजी कर रहा है, तो उधर क्यों पैसे दे रहे हो फिर। मेरे पास भी 100 चीजें है ना, ठगने ठुगने वाले में से तो हो नहीं, पत्थर पे लकीर वाली प्रेडिक्शन दूंगी, कोई चैलेंज करके दिखा दे। पूजा पाजा के चक्रों में मैं वैसी नहीं, एक मेरी फीस है मेरी हकलाल की कमाई, ये है मेरी हकलाल की कमाई जिसमें मैं मेहनत कर रही हूं यार, इतना तो समझो। समझ लो पाशा लोगो, बड़ा शर्मिंदगी होती है यार मेरे को ये बोलते हुए भी, मन बहुत अच्छा नहीं लग रहा, पर करो यार प्लीज, समझा करो। चलो फिर, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, लाइक करो, लाइक लाइक, आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बात आपको लाइक करेगा। डिसलाइक बोलूं, आई लव यू टू मच मैन, माय पाशा लव्स यू टू मच मैन, क्या बोले अभी देखते जो प्यार कितना बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ेगा है कि नहीं। और क्या कहते हैं, शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती हूँ, और ठा बनानी हमने, आप और मेरी टीम वर्क है, सही बात है आपकी और मेरी, हमने ठा जिंदगी बनानी बनानी है। मतलब प्रॉब्लम्स को ना बस बोल दो तेरी ऐसी तैसी, बस ऐसी तैसी कर दो, प्रॉब्लम्स की ऐसी तैसी कर देंगे हम, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।